आज बच्चों हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये जो चैप्टर है ना, ये इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो दो टफ चैप्टर्स होते हैं ना, जो जिनसे बच्चा थोड़ा घबराता है, तो वो एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है कंज्यूमर और दूसरा वर्ड है इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब हम बात करते हैं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज अ गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई हिज वांट। और जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो एक लेमन से पूछे कि भैया ये वर्ड इक्विलिब्रियम सुन के क्या क्लिक करता है, तो वो कहेगा इक्वालिटी। बट इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा अलग है, इस वर्ड का मतलब अलग है थोड़ा सा, स्टेट ऑफ रेस्ट, बेस्ट पोजीशन या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है ना, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ, मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन वेयर कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही हैज नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, मतलब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कंजम्पशन के कि जिससे हम आगे भी नहीं जाना चाहते और पीछे भी नहीं आना चाहते, बिल्कुल हम वहीं पे रुकना चाहते हैं जहां पे हम हैं, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप लोगों का ध्यान तो गया होगा एक चीज पे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। बच्चे खुश, यानी घर पे चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे चैप्टर पढ़ना नहीं है, इसका मतलब ये है कि घर पे चैप्टर अप्लाई नहीं करता। मतलब से जैसे आपने डिमांड में चीजें जो सीखी वो आप अप्लाई कर सकते हो इलास्टिसिटी निकालने के लिए, आप डिमांड को समझने के लिए डिमांड के फैक्टर्स को रियल लाइफ में देख सकते हो, पर इसे ना कहीं भी अप्लाई करना, पर घर पे मत अप्लाई करना। ठीक है, अब सर क्यों नहीं अप्लाई करें? अब हुआ क्या, दर्श ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा। अब हमने क्या सिखाया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। आगे जाके मैं कुछ बातें बताऊं, चलो मैं बताता हूँ आगे बातें क्या होती है। अब अगली चीज आती है हमारी, दैट इज यूटिलिटी। ठीक है सर, ये यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है वॉन्ट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, वॉन्ट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी बेसिकली मीन्स सेटिस्फैक्शन। ओके, यूटिलिटी बेसिकली मीन्स सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं वॉन्ट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि अगर हम एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज यूटिलिटी। ठीक, अब मतलब कि ये चैप्टर कहता है कि हम खुशी को नाप सकते। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट हैप्पीनेस, वी कैन कैलकुलेट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, चलो ये बात बोल दी, खुशी को नाप सकते हैं, हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। तो भैया अब यूटिलिटी को मेजर किस में करें, केजी में करें, लीटर में करें, मीटर में करें, किलोमीटर में करें, ग्राम में करें, टोटल्स यूनिट्स। ठीक है, तो खुशी को मेजर, क्योंकि खुशी को मेजर करना एक नया कॉन्सेप्ट है, कभी समझा ही नहीं आपने। ठीक है, तो खुशी को मेजर करने का यूनिट भी अलग है। तो यूटिल का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। अब मैंने क्यों कहा कि ये चैप्टर को घर पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि घर पे जाके अगर आपने बताना है कि खुशी को नापा जा सकता है, तो घर वालों को जो शक था वो यकीन में बदल जाएगा कि तुम सटिया गए। ठीक, अब दर्श ने क्या करा, एक दिन ना मम्मा को मैगी बना के खिलाई। ठीक है, दर्श ने क्या करा कि सबसे पहले ना फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में पानी डाला, फ्राई पैन में पानी डाल के मैगी को तोड़ा। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसको घुमाया, अभी रुक जो, नहीं, ऐसे भी नहीं करा,
पहले उसने ना कढ़ाई ली, ठीक है, कढ़ाई में उसने अनियन डाले, ठीक है, बटर डाले, उसे अच्छे से सौटे करा, ठीक है, फिर उसके बाद उसने पानी डाला, मैगी मसाला डाला, ठीक है, मैगी मसाला डालने के बाद उसने फिर मैगी को डाला, अच्छे से घुमाई मैगी, अच्छे अच्छे से, जितनी अच्छे से घुमा सकता था घुमाई, फिर उसमें उसने चीज डाली, ठीक है, चीज डालने के बाद फिर उसने उसको और अच्छे से घुमाया, उसमें थोड़ी केचप डाली, थोड़ी मेयो डाली, और एक ना बहुत ही शानदार सी मैगी तैयार हो, ठीक है। अब वो मैगी लेके गया मम्मा के पास कि मम्मा प्लीज हैव सम मैगी। उसकी मम्मा ने मैगी खाई, ठीक है। अब मैगी खा के फिर उसने पूछा, मम्मा ये मैगी खा के आपको कितनी खुशी मिली? उसकी मम्मा ने बोला, बेटा मुझे बहुत ही खुशी मिली। कहा, बट मम्मा कितनी खुशी मिली? कहा, बेटा मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। पर मम्मा कितनी खुशी मिली? बेटा बहुत ज्यादा खुशी मिली। पर मम्मा बहुत ज्यादा भी तो कितनी ज्यादा? बेटा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी मिली, ठीक है, अंडरस्टैंड कि आपने मैगी खाई आपको खुशी मिली, पर कितनी खुशी मिली? फिर उसके बाद उसको इतनी खुशी मिली दर्श को, तो उसके दोनों गालों पे खुशी दिख रही थी लाल लाल कलर। तो अब ऐसा आप घर पे करोगे तो बेटा सूते जाओगे, अनडाउटेडली सूते जाओगे। सो डू नॉट ट्राई दिस एट होम, डू नॉट अप्लाई दिस एट होम। पापा कभी रोटी खा रहे हैं, पहली बाइट ले रहे हैं, पापा कितनी खुशी मिली? मिल जाएगी बेटा, फिर बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, इसीलिए टॉप सीक्रेट, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर घर वालों को बताना, ये मैंने बताया। अब जब हमने कॉन्सेप्ट शुरू कर ही दिए हैं तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल यूटिलिटी। जैसे कि नाम बता रहा, मतलब समझ आ जाता है इसका। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? टोटल सेटिस्फेक्शन। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड बाय कंज्यूमर सर्टेन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड बाय कंज्यूमिंग सर्टेन यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब आपने एक कमोडिटी खाई तो 10 यूटिल, दूसरी खाई तो 8, तो टोटल कितनी होगी? 18। और अगली चीज आती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब पता है किसी को? व्हाट डज द वर्ड मार्जिनल मीन्स? वन मोर देन। मार्जिनल का मतलब होता है वन मोर देन, हाँ ठीक है, पढ़ रखा है क्लास में है किसी, एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में एडिशनल, यानी कि एक्स्ट्रा। तो वी कैन से इट इज द एडिशन made to total utility by consuming one more units of commodity. जैसे कि मान लो अगर चैतन्य चैतन्य गया रेस्टोरेंट, ठीक है, चैतन्य ने बर्गर ऑर्डर करा, उसने पहला बर्गर खाया, उसे खुशी मिली 50 यूनिट्स। चैतन्य को भूख लगी थी, चैतन्य ने एक बर्गर और मंगवाया, दो बर्गर खा लिए, तो अब उसकी खुशी हो गई टोटल 90 यूनिट्स। फिर चैतन्य ने एक बर्गर और खा लिया तो उसकी खुशी हो गई 120 यूटिल्स टोटल। उसने फिर एक बर्गर और खा लिया तब उसकी टोटल खुशी हो गई
140 यूटर, फिर उसने एक बर्गर और खा लिया, समझा भाई कितने बर्गर खाए, तो उसकी खुशी होगी 150 यूट, समझ रहे हो। तो हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ये थी टोटल यूटिलिटी। अब एक बात बताओ, पहला बर्गर खा के, फर्स्ट बर्गर खा के कितनी खुशी मिली चैतन्य को, 50 यूट। अब जो दूसरा बर्गर खाया तो दूसरे बर्गर से कितनी मिली, टोटल दो बर्गर से 190 मिली, कितनी 140, गलत, ओनली 40, ओनली 40 सेकंड मिला के, ये ना दो बर्गर की यूटिलिटी है 90, तो वन बर्गर से 50 थी, दो से 90 थी, तो दूसरे से तो 40 हुई ना। अब तीसरे से कितनी मिली, 30, चौथे से 20, और पांचवे से 10, तो मार्जिनल होती है एडिशनल, जो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है एक यूनिट और कंज्यूम कर ले। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है MU N is equal to TUN minus TUN minus 1। अब इसमें से ना तुम कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक, 3, तो अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी 3 निकालना चाहता हूँ, मतलब TU3 minus TU2, TU3 is 120 minus 90, यानी कि 30, और ये देखिए 30, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें कभी TU निकालना हो, तो TU का फॉर्मूला क्या, TU is equal to summation MU, summation MU क्या होता है, मैं निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे, summation MU, पहला 50 और सेकंड में 50 और 40 का सम, 50 और 40 का सम कितना होता है, 90, अब तीसरे में 50, 40, 30 कितना होता है, 120, फिर 50, 40, 30, 20, 140, फिर 50, 40, 30, 20, 10, 150, तो बेसिकली तुम देखो अगर, तो TU is equal to summation MU, okay? TU is equal to summation MU, तो summation MU करके हम TU तक पहुंच सकते, okay? अगर हम देखें तो अभी जो हमने फॉर्मूला समझे, ठीक है, तो वो फॉर्मूला थे कि TU is equal to summation MU and MU is TU n minus TU n minus 1. MU का ना एक फॉर्मूला और होता, चेंज इन TU upon चेंज इन n, बट दिस फॉर्मूला इज यूज्ड when units are not consecutive, ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ बता, जैसे देखो अब अगर आपको यूनिट दिए होते हैं ऐसे 2, 3, 4, TU दिया हुआ है 50, 80, 100, तो आप MU निकाल सकते हो, पहला डैश 30, 20, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके। पर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि यूनिट 2 पे TU आपका 100 है, यूनिट 5 पे TU आपका 190 है, तो अगर आप पुराने वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मतलब आप अगर MU 5 यूनिट पे निकालना चाहो तो आप करोगे TU 5 माइनस TU 4, 5 माइनस 1 यानी TU 4, पर TU 4 तो आपके पास है ही नहीं, तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन n। तो अब ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, चेंज इन TU, 100 और 190 में कितना चेंज है, 90 का, और 2 और 5 में कितना चेंज है, 3 का, कितना चेंज आ गया टोटल, 30 का, 30, ठीक है।
देखो एक एक करके मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें टी यू दिया हुआ है, एम यू निकालने, तो पहला तो हो जाएगा 100, फिर 180 माइनस 100, इट विल कम आउट टू बी 80, फिर 240 माइनस 180, इट विल कम आउट टू बी 60, 280 माइनस 240, इट विल कम आउट टू बी 40, देन इट विल कम आउट टू बी 20, एंड लास्ट इट विल बी 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहला टी यू 20 है तो ये भी 20 होगा, क्यों? क्योंकि अगर 0 यूनिट होते तो टी यू 0 होता, बिना कंज्यूम करे सेटिस्फेक्शन 0 होती। अब 35 है तो 35 माइनस 20 कितना होता है? 15, 45 माइनस 35 10, 50 माइनस 45 5, 50 माइनस 50 0, 40 माइनस 50 माइनस। मुझे ये बताओ पहले दो क्वेश्चनों में किसी को दिक्कत तो नहीं? No, है किसी को दिक्कत बच्चे? No, sir. Okay. No, sir. अब टी यू निकालना है, MU दिया हुआ, तो इट इज समेशन MU, तो इट इज 80, 80 प्लस 60 140, 80 60 40, या फिर आई कैन से 140 प्लस 180, 180 प्लस 20 200, 200 प्लस 0 200, और ये 180. Got it? क्योंकि देखो ये जो 140 है ये वैसे ही इन दो का सम है, ये 180 वैसे ही इन तीन का सम है, ये 200 है इन चार का सम है, ये 200 इन पांच का सम है, और ये 180 इन सब का सम, ठीक है। अच्छा, हैंड रेज करो, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? हाँ मोना, 40 65 40 or 25 65 अब जब ये fill in the blanks वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर हम इन क्वेश्चन को देखें तो हमें ये जो गैप्स हैं इन्हें फिल कर, ओके तो यहाँ पे 60 रहेगा, अब ये टी यू मिसिंग है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 60 प्लस 50 कितना होता है? 110, ठीक है, फिर यहाँ पे 150 माइनस 110 40, ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर अब यहाँ पे 30 दिया हुआ, 60 50 40 30 180, अब यहाँ का 200 माइनस 180, और फिर इन सब का सम, समझ आया ये? यस सर। चलो अब हमें MU निकालना है, पहला 100, फिर दूसरा 160 नहीं, दूसरा 160 नहीं, क्या होगा दूसरे का आंसर? 130। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा चेंज इन TU अपॉन चेंज इन N, 100 और 260 में कितना डिफरेंस है? 160, 1 और 3 में कितना डिफरेंस है? 2, तो 160 by 2 कितना होता है? 80, फिर 260 और 600 में डिफरेंस कितना है? 240, और 3 और 7 में डिफरेंस कितना है? 340, ओह 340, 340 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 85, 600 और 800 में गैप कितना है? 200, और 7 और 12 में 5, तो ये हो जाएगा 40, ओके, 800 और 880 में डिफरेंस कितना है? 80, और 12 और 20 में डिफरेंस कितना है? 8, तो 80 अपॉन 8 कितना होता है? 10, और 880 और 830 में डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है 880? हाँ 50 माइनस 5, और 20 और 25 में डिफरेंस 5 माइनस 5 नहीं 5 प्लस 5, आंसर माइनस 10। बताओ जी समझ आते हैं यहाँ तक? यस yes.